अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ DPI के सेटिंग के बारे में कि DPI सेटिंग किस तरह हो सकता है। और वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक एक सेटिंग आप लोग नहीं कर पाओगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो चलते सेटिंग की तरफ। हो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं एक बार फिर से कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और मैं आप लोगों को ये भी कंफर्म करवा दूं कि इसमें 80% हेडशॉट लगता है, 80% हेडशॉट, बाकी तो आप लोगों को खुद भी ड्रैग करना पड़ता है। कोई हैक वगैरह नहीं है। आईफोन का अपना मूवमेंट स्पीड है, सेंसिटिविटी है, और इसको आप लोग जब ऑन करोगे तो बहुत ज़्यादा हेडशॉट लगेगा और मूवमेंट स्पीड भी तेज़ हो जाएगा। तो चलो चलते हैं सेटिंग की जानिब। तो गाइज़ हम लोग आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ पर सेटिंग में एसेसिबिलिटी में यहाँ पर टच में एसेसिव टच, ओके एसेसिव टच को ऑन पे रख देना है, सही है। उसके बाद जो है ना ये आइडल को 15 पे रख देना है, सही है। माउस कीज़ में जाना है, यहाँ पर दोनों सेंसिबिलिटी को फुल पे रख देना है। और यहाँ पर नीचे जाना है ट्रैकिंग सेंसिविटी, इसको भी फुल पे रख देना है। टैप एक्शन को टैप पे रख देना है। मूवमेंट स्पीड को फुल रख देना है, मूवमेंट को फुल पे रख देना है। और यहाँ पर 0.25 रख देना है, सही है। और यहाँ पर 3D में जाना है। 3D में सबसे पहले जो है ना इसको ऑन करना है, इस पर फ्रेम पे वो करना है और फास्ट पे, सही है। उसके बाद जो है ना आप लोगों ने स्विच कंट्रोल में जाना है। स्विच कंट्रोल में जाने के बाद यहाँ पर 0.05 पर रख देना है, सही है। फ्यूज ऑन फास्ट आइटम को ऑन करके 0.3 पे रख देना है। और लोब्स 4 पे होगा, 10 पे रख देना है, सही है। ओके मूव रिपीट को 0.03 पे पहले ऑन कर देना है, 0.03 पे रख देना है इसको। और उसके बाद लॉन्ग प्रेस को 0.20 पर ऑन करके 0.20 पर रख देना है। और उसके बाद जो है ना इसको टैप बिहेवियर को डिफीट पे रख देना है। और फास्ट आइटम को और होल्ड डायरेक्शन को 10 पे रख देना है, दोनों को ऑन करके 10 पे रख देना है। और उसके बाद जो है ना सिंगल गाइड क्रॉसर को सिंगल पे और ये 120 पे रख देना है, सही है। उसके बाद जो है ना यहाँ का काम ख़त्म हो गया, स्विच कंट्रोल भी हो गया। उसके बाद ये दोनों जो है ना स्पीड, इन दोनों को फुल पे रख देना है। और उसके बाद जो है ना आप लोगों की DPI सही हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।